फ्रेंड्स, प्लांट से जुड़ी सारी समस्याएं जैसे कि प्लांट की ग्रोथ ना होना, प्लांट्स की पत्तियां पीली पड़ना, प्लांट्स में कीड़े लगना या फिर प्लांट्स की जड़ों का विकास ना होना, इन सारी समस्याओं का कारण कहीं ना कहीं पौधे में पोषक तत्वों की कमी होती है। तो उन पोषक तत्वों को पूरा करने के लिए मैं बिल्कुल फ्री का होममेड जैविक लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाने वाली हूँ, जो कि बिल्कुल आपको किसी भी तरह के मार्केट में जाने की ज़रूरत नहीं है, घर में उसकी सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। और ये बहुत ही शक्तिशाली फर्टिलाइज़र है। यदि आप प्लांट में महीने में एक बार भी इसको यूज़ करते हैं तो प्लांट बहुत ही अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा। तो शुरुआत करते हैं। आप देख रहे होंगे ये मेरे पास मटर के छिलके हैं। मटर के छिलके आपके पास सूखे हैं तो वो भी चल जाएंगे, फ्रेश हैं तो वो भी चल जाएंगे। साथ ही आप इसमें यूज़ करना है संतरे के छिलके। संतरे के छिलके विटामिन सी का बहुत ही अच्छा सोर्स होते हैं, साथ ही इम्यूनिटी डेवलप करते हैं प्लांट में। यदि प्लांट में हम इसके बने हुए फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो प्लांट में बीमारियां कम लगती हैं, कीड़े मकोड़े लगने की संभावना भी लगभग ख़त्म हो जाती है। साथ ही इसमें हैं चने के छिलके। चने के छिलके भी हमारे जो चने होते हैं सेके हुए, उनसे निकल के जो छिलके आते हैं उन छिलकों को आप यूज़ कर सकते हैं। साथ ही मूँगफली के छिलके हैं, ये धो के सुखा के रख लीजिए आप, नमक नहीं होना चाहिए इनमें। और इसके साथ ही हैं इसमें प्याज के छिलके, और प्याज के छिलके के साथ में आप देख रहे होंगे इसमें लहसुन के छिलके भी मैंने यूज़ करे हैं। थोड़ा थोड़ा सा लहसुन का फली को भी यूज़ कर लिया है मैंने, तो ये लहसुन भी काम करेगा, आपके प्लांट को कीड़ों से बचाएगा। तो फ्रेंड्स, इस फर्टिलाइज़र में सारे पोषक तत्व हमारे प्लांट को मिल जाएंगे, साथ ही ये कीटनाशक की तरह भी ये काम करेगा। इसके लिए मुझे एक जार लेना है, और सबसे पहले मैं इसमें मटर के छिलके डालूँगी। मटर के छिलके डालने के बाद इसमें मैं ऑरेंज के छिलके, इसके बाद मूंगफली के छिलके डालना है। मूंगफली छिलके डालने के बाद हम ये चने के छिलके डाल देंगे। साथ ही हमारे पास जो ये प्याज के और लहसुन के छिलके हैं इनको भी मैं इस जार में डाल दूंगी। इस तरह से ये जार भर लेना है। इसके बाद इस जार को पानी से भर देना है। पानी आपको इतना डालना है कि पूरे जो छिलके हैं वो अच्छी तरह से पानी में डूब जाएँ। इस तरह से इसको अच्छे से पानी में डुबा देना है, और पानी भर दें आप इसके लिए, जिससे इसे गलने के लिए पर्याप्त तो पानी मिल जाए। इसके बाद हम इसको ढक्कन लगा के 4 से 5 दिन के लिए रख देंगे। फ्रेंड्स, 5 दिन बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसे कैसे यूज़ करना है। फ्रेंड्स, 5 दिन के बाद मैं देखूंगी कि मेरा ये फर्टिलाइज़र किस तरह से बन के तैयार है। तो सारे छिलके गल चुके हैं और पानी का कलर भी चेंज हो गया है, और इस लिक्विड को हम एक जार में छान लेते हैं। फ्रेंड्स, छानने के बाद देखिए हमें ये लिक्विड मिल गया है। इस लिक्विड में हम इतनी ही मात्रा में सादा पानी मिलाएंगे। ये मेरे पास सादा पानी मिलाने के बाद करीब 2 लीटर पानी हो गया। 2 लीटर फर्टिलाइज़र बन के तैयार है। जो है जो भी आपके प्लांट हैं उनकी आप सॉइल में डाल सकते हैं, या फिर आप स्प्रे भी कर सकते हैं, उससे कीड़े लगने का खतरा कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये फर्टिलाइज़र आप ज़रूर यूज़ करें।